कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और इस वक्त उप मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसलिए लाया जाए कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए, और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से माध्यम से भरा जाता था। ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है। विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया है। हम सब को मालूम है कि मुहासा बाबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों ने डेवलप किया था पिछली सरकार में। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस MPIDC को, औद्योगिक विकास निगम को जो दिया गया था वो 1678 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया था, और इस पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। उसका मतलब बिजली ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण का काम उस इंडस्ट्रियल एरिया में होना है। तो अभी जो भारत सरकार से स्वीकृति मिली है वो 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनना है जिसमें बहुत से काम होने हैं, जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार की जब इंडस्ट्रीज आए तो उसके टेस्टिंग से लेकर हर तरह के लैब वहाँ पर उपलब्ध हों, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था वो जो बहुत बड़े एरिया में था उसको अभी संशोधन करते हुए सीमित किया गया है, और 227 और 237 एकड़ के लिए वो संशोधन एक लाया गया है। बाद में नियामकाज में जाके उसको फिर वेटिंग कराई जाएगी, अप्रूवल कराया जाएगा। तो ये भी एक हुआ है, इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें निवेश आना तेज़ी से शुरू हो पाएगा। तो ये निर्णय हुए हैं और बस इतनी। तो मोहन, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, काफी अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। उपमुख्यमंत्री जानकारी देते हुए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा इसमें हुई, जिसमें BRTS कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा आगे क्या रणनीति पार्टी की रहेगी, क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुधारने में, विकास करने में, लोगों से किस तरीके से जनसंपर्क बढ़ाया जाएगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत इस बैठक में हुई। काफी अहम ये बैठक थी और बैठक के बाद जो भी तय अब बैठक में हुआ है, आगे कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उसको जमीनी तौर पर उतारा जाए और लोगों के बीच जाकर जनसंवाद किया जाए।